हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुका है। हाँ चलो गाइस, गुड आफ्टरनून, सॉरी। हेलो ब्रदर। हेलो, वेयर इज एनी, कौन है तुम? मैं नहीं पहचाना, अभी पहचाना। इसके साथ रहो ना, दिखाओ कैसा दिख रहा है, जल्दी पहनो। हाँ तो बोलो कि गाइस, मेरा भाई कैसा लग रहा है? इससे क्यूट इंसान कोई देखा है कभी? इससे क्यूट इंसान, मतलब इसका बाद में मुझे नहीं लगता कि क्यूट वर्ड कोई अभी जस्टिफाई और अच्छे से हो सकते। देख रहे, आप खुद देखो, इधर एक बार देख लो। हीरो क्यूट मैंने, मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। कोई बात नहीं, छोड़ो। तो गाइस, अभी नोरबू को फिर से एक शूट करना है, तो हम लोग अभी जस्ट ये घर पे फिर से आए हैं। चलो नोरबू स्टार्ट कर दो अब। ओके मैम, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैम। गाइस, अभी हमारा शूट हो गया है, मैं अपनी आंखों के साथ हूँ। नोरबो पीछे है, नोरबो कुंजान, हाथ दिलाओ। तो ये लोग भी इधर से आ रहा है, अभी थोड़ा सा घूमना है। गाइस यहाँ बड़ा सा बस आ रहा है। पत्थर स्टोन ही स्टोन है, तो इसलिए इसको इसका नाम है रॉक गार्डन है। यहाँ पे रॉक ही रॉक है, तो अभी जस्ट आसिंग ने बोला कि इसीलिए इसको रॉक गार्डन बोलता है। कहाँ है कुंसा? इधर से आ जाओ, कोई तुम्हारा वो पे ये तो तेरा मंदिर होला है। माथी कर रहा हूँ, बोलता नहीं। चलिए गाइस, हम रॉक गार्डन जा रहे हैं, अभी उधर है। यहाँ पे शायद बड़ा बड़ा पत्थर दिख रहा है ना कुंसा? बोलो कुछ। इतना बड़ा तो पत्थर क्या, इतना बड़ा पत्थर है। OMG, नॉर्मल जंगल पे कहाँ जा रहे हो? नॉर्मल भैया कहाँ जा रहा है? बोलो तो, नॉर्मल भैया कहाँ जा रहा है? जंगल पे, जंगल मरने। ओहो गाइस, देखो ये कितना चलना पड़ रहा है, नीचे जंगल का रास्ता है। हाँ तुम बोल तो कंजल। देखिए गाइस, उधर पे कितना बड़ा है कहाँ पत्थर, इधर पत्थर। हम जा रहे गाइस, अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी मैं और मेरा भाई तो सबसे लास्ट में चल रहा है, हम चल ही नहीं पा रहा है। वो आ गया ग्रीन बाल को पैरट साथ में, बोल दिया गुड लक फर्स्ट। पैरट, ब्लू पैरट, यस्टरडे हमने देखा ना ब्लू पैरट, जू पे देखा। आ जाओ ब्लू पैरट विद ब्लू जैकेट आज तो। रॉकी है, रॉक। ओ वाओ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए रॉक, बुद्धा भाई तो पहुंच भी, हाँ पहुंच भी गया। चलो दोनों तुम्हारा ये फोन ले सकते हो प्लीज, मेरा हाथ में खाली नहीं है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी। मैं तो गाइस, मेरे को क्यों कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं चप्पल पे आई हूँ यहाँ पे। नोरबू तो वीडियो बनाने आया था, मैं तो बस ऐसे घर से उठ के आ गई थी इसके साथ, तो मेरे को चप्पल में चलना मुश्किल पड़ रहा है ये बात रास्ता। नोरबू आ जाओ जल्दी ना, यू नीड माय हैंड, यस कम। ओके, अरे बाप, अरे आराम से, तुम तो मुझे गिरा देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं गिरेगा, बाप रे, आराम से भाई, आराम से। अब यहाँ से जाऊंगा मैं, मुझे शौक देना चाहो तुम। आई कांट कम फ्रॉम दैट वे, मैं इधर से जाऊंगा, मेरे को मेरा वो
मैं स्लीपर में हूँ ना, इसलिए ये स्लीप हो रहा है। ओए आराम से। क्या आराम से? तुम ऐसा हो गया, हाथ पकड़ के खींच लिया तुमने, इसीलिए तुम... आसमान पे है गाइस अभी, रॉक के ऊपर। ऐसा जाओ जाओ जाओ, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, चलो आ जाओ ना। गाइस देखो ऐसे रास्ता है, नीचे आने में डर लग रहा है। छोड़ो तो मैं दिखाती हूँ, देखो गाइस हम कहाँ से आए, ऐसे से रास्ता है। वाह वाह, गाइस अभी हमारा बैड लक क्या हुआ कि आज फॉगी फॉगी लग गए, तो यहाँ से कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा है। पठान पुल तो हो जाएगा, कुछ फोटोज चाहिए क्या नोरबू? नहीं हो जाएगा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये तो वाह, दिखा रहे हो नीचे ऊपर मत जाओ, नहीं डरना नहीं। पूरा वेट उधर मत दो, डर लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान पे पहुंच गया है ऊपर। ये किसने बनाया है आगू? ये नेचर ने। नहीं नेचर ने, ये सब फीलिंग तो गांव के लिए थोड़ा सा सुख के लिए बनाया है ऐसा। फिर से गया तो मुझे कौन फिर इधर बुला रहा है? तो और नीचे जाते समय सीधा ऊपर यहाँ के चिड़िया का आवाज खतरों के खिलाड़ी खिलाड़ी कंटेस्टेंट नंबर होता ना, तो मैं यहाँ पे दौड़ के चलता। हाँ वाह, कितना फ्लेक्स करता हमेशा है। मैं ये सॉक्स के साथ ही चल रही हूँ अभी। भाई मैं स्टाइल का घोड़े को देखो बच्चे ऐसा लग रहा है कि बिल्ली अपने बच्चे को ऐसे उठा के ले चलते है ना। मैं भी दौड़ सकती हूँ इधर, दौड़ सकती हूँ क्योंकि ना मैं मेरा पैर में मेरा इसमें दर्द है ना, इसलिए। बाप रे, शिट सॉरी। तुम तो जीनियस, फिर से बोलो। नीचे नामने वाला जो इजी था तुमको लग रहा है क्योंकि मैंने तुमको फोन दिया ना। पागल, मेरा शूज ग्रिप है ना थोड़ा। क्या मतलब? प्लेन साइड के इंसान हो। हाँ तो मैं भी गांव की लड़की हूँ, लेकिन तुम तो सिलीगुड़ी से ना। ये देखो और दादा हो जाए कि गिर गया तो तुम्हारे दांत साथ निकल जाएंगे। बात तो सही है, वापस जाना पड़ेगा। बस लगा ऊपर जाके बहुत ज्यादा सुकून मजा आ गया भाई। गाइस कुछ भी हो बट अभी हम जा रहे हैं, रोड निकल रहा है। रंगली नाम का जगह आओगे ना, दार्जिलिंग से 45 मिनट्स दूर है ये रॉक गार्डन, जरूर आना यहाँ से। बहुत ऊपर ही ऊपर। चल रहे हम उकालो। क्या बोला बेटा? क्या कुछ इज्जत रख दो। यस, अब बॉडी दिखा दे, एक बॉडी ये पीछे के साइड से, ये आगे का। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग
पहुंच गए हैं ऊपर, वीडियो शूट करके आए हैं। तो आज हम आए हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये तो आज थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रो कराता हूँ कि हम लोग कहाँ रुके हुए हैं। एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत ही ज्यादा गाइस, अब क्या ही बोलूं, यहाँ से जो दिखने का व्यू दिख रहा है। बातें ज्यादा नहीं करके हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं टू, क्या बोलते हैं उसको, जिम्बास होमस्टे। हाँ, जिम्बास होमस्टे का टूर, लेट्स गो। तो आप लोगों को दिखा, कम ऑन, लेट्स गो गाइस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये देखिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वुड, वुड गाइस, वुड और थोड़ा सा सीमेंट। ऊपर का आप देख सकते हैं वुड का ये, सो सिट मुझे फेवरेट चीज ऑब्वियसली ये लगा डेकोरेशन जो हुड से बना हुआ है गाइस, एक एक डिटेल से ना अच्छा वर्क किया है। एंड सब डिजाइन और कलर जो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है रूम्स के साथ, और ऑब्वियसली द व्यू फ्रॉम आउटसाइड, अगर जैसे आप सो के उठते हो तो आप अच्छा सा व्यू देख सकते हो गाइस यहाँ से। अभी सनसेट हो रहा है गाइस, देखिए ऊपर जब रेन होगा ना तब तो और भी क्रेजी होगा। क्यूट सा आर्ट बनाया इसने, छोटा सा बट वेरी इफेक्टिव, पेंगुइन एक नीचे, समझो इतना क्यूट सा है ना, क्या बोलूं। और ये आर्ट भी देखो, मुझे ना इसका फोकस इसमें आ गया अचानक से। अब देखो दूर से इसका इमेजिन, इसका लुक देखो ना, ये दोनों सर ये सब इधर का ही है गाइस, क्रिएटिव वे में बना, यही का ही है ये जगह की गार्डन, ये हिमालय दिखता है वहां से, कंचनजंगा। वाओ, दिस वन ऑफ, दिस इज द मोस्ट फेवरेट प्लेस। टीवी आप देख सकते हो इधर, मैं ऐसा क्यों लग रहा हूं, मैं टूरिस्ट घुमाने आया, बट सी मोस्ट क्रिएटिव वे में बना है सब, ये पाइन ट्री के हुड का है गाइस, पाइन ट्री के हुड का बना हुआ। हाँ, ये भी जो ये भी है गाइस, ये डिजाइन तो मैं भी फ्यूचर में अपने घर पे लगाऊंगी मेरे को बहुत पसंद आया। सो यहाँ में आप देखो, बस यहाँ में रात को माइक लगा के यहाँ में यू नो थोड़ा एक माहौल बन जाएगा, मैं फ्यूचर में मेरे कुछ दोस्त होंगे, हाँ लामा और हम लोग और सुधांशु भाई, यस आएंगे गाइस ना, यहाँ में बस गाना गा के तो बाहर से तो गाइस आप लोग देख सकते हो, परफेक्ट व्यू मॉर्निंग और इवनिंग को। तो अब हम गाइस जाते हैं नीचे, सो ये रूम पे हम लोग रुके हुए हैं अभी रिसेंटली, दो बेड है इधर, तो ऑब्वियसली अच्छा बेड पे मैं सुष्मिता को नहीं बैठा सुलाता हूँ, मैं खुद सोता हूँ और सुष्मिता मेरे में सोने देता हूँ। एंड दिस इज सोफा, अबे मेरा भाई इधर है सोफा, वाह। तो गाइस ये रूम देख सकते हो बाहर से, डोर से दिखा दो पूरा रूम। एंड आप कलर देख रहे हो क्या, मतलब ब्लू, एंड ऑब्वियसली ब्लू जहाँ देख लिया वहाँ मैं ये चीज से फर्स्ट फ्लोर है गाइस, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। सो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे रूम में, ये फर्स्ट फ्लोर का दूसरा रूम है, सो सेम टू बेड, हाँ सो ये मिरर इधर, ओ हु इज दिस हैंड्स, ओह मैम ओके, ये सुष्मिता चाहते कि ये ब्लॉग ये ज्यादा बड़ा ना हो नेपाली भाषा में, ये बोलो तो मैं पूरा रूम का ना दिखाऊं, पूरा रूम का ना दिखाऊं, मैं सॉरी वॉशरूम में दिखा देती हूं गाइस, इधर देखिए गाइस एकदम खूब डांस कर करके, बहुत बड़ा है, नहीं सच में बहुत बड़ा है, वाइट वाइट से देख बड़ा है, डॉल्फिन मस्त। ओह माय, हेलो 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 इज माय ब्रदर गाइस। अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में जो डाइनिंग रूम है, तो सुंदर गाइस आप लोग देख सकते हो, बॉयज जितने भी बॉयज आप देख सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाओ। एंड हुज ट्रॉफी इज दीज, ओके दिस गाय देख सकते हो, सिंगल गर्ल्स प्लीज डीएम मी फॉर मोर डिटेल्स फॉर हिज मोबाइल नंबर, सो हिज ट्रॉफीज आर दीज, सो हिज अ ग्रेट फुटबॉल, सो इससे पता चल रहा है बहुत अच्छा फुटबॉलर है, क्या बोलते इसको, यो की बोलते ना तांबा मतलब गाइस इसको बोल, हम सब हिंदी से भी बोलते पता नहीं वो क्या बोलते, हाँ, लेकिन तांबा बोलते, लेकिन इसके अंदर का जो पानी पीने से हेल्थ के लिए अच्छा होता है बोलते, कोई वेट अच्छा सुष्मिता मैम है। सो यहाँ
इधर बैठ के रात को गाना वाना गाना है, जो भी करना है इधर हवा खाना है, लगा हुआ है। हेलो सर, तो आप कहाँ से आए? मैं आपका छोटा सा फैन हूँ, आपको फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया। वाह गाइस, सच में सिंपलीस्ट सिंपलीस्ट और सबसे अफोर्डेबल एंड ऑब्वियसली सो क्लोज टू द नेचर, जो कि मुझे हमेशा पसंद है। हम लोग सीरीज में भी रहते हैं, बट दिस प्लेस इज सो प्लेजर टू स्पेंड। सबसे पहले जो भी सुशीलभाई नारू का जो भी फैन है, आप लोग ने देख लिया, सभी जगह दिखा दिया आपको, कैसे लगा आपको? अगर आप आओगे तो सब कुछ दिखा दिया, यहाँ तक कि लास्ट तक दिखा दिया। यहाँ पे जिम्बाज होम स्टे है, कभी भी आ सकते हैं आप लोग। और आपको क्या लगा कमेंट में जरूर लिखना है आप लोग, कैसे लगा। लेकिन आपको बोल सकते हैं आप कमेंट में जो भी है, जो कम भी विषय फिर भी आप लोग बता सकते हैं। इतना है, आपको देख लेना अच्छे से, जरूर आ जाना जिम्बाज होम स्टे, शेयर कर लीजिए, जरूर आना, है ना, लाइक कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, देख लेना। Yeah. Thank you, everyone. Everyone, one time visit जरूर करना life में यहाँ। Yes guys, आइएगा। You guys will never regret. Yeah. So yeah, guys, thank you so much for watching. Thank you so much Sushmita ma'am for coming in my friend. So देखते रहिए हमारा vlog, मिलते हैं next vlog पे। Till then, see you. Bye bye. Keep smiling. Keep dancing. Keep doing whatever you want. Bye-bye. So yeah, bye bye guys. Bye bye. Bye bye बोल दो। Bye. तुम बाय बोलो जोर से अच्छे से। फिर से करो बाय बाय।